अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो इस वक्त वायरल है और इसमें देखा जा सकता है, कुछ तस्वीर मैंने अटैच की हुई है, कि सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान, जो हाल ही में गुमशुदगी के बाद एक बहुत अरसे के बाद मंजर आम पर आए, फिर उनकी हमने जो हालत देखी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बारे में मज़ीद मेरे ख्याल से गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस हवाले से काफ़ी कॉन्टेंट यूट्यूब पर, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है। एंकर इमरान रियाज खान कल रात इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद में जो बलोच मिसिंग पर्संस, उनके लवाहिकीन एक धरना देकर बैठे हुए, और उनका एक तरीना मसला है जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, कि हमारे लवाहिकीन, हमारे घर के अफराद जो जिंदा गायब हो जाते हैं, जिनकी मसख शुदा लाशें मिलती है, उन लोगों को बाजियाब किया जाए और जो लोग ये करवा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। इस हवाले से पाकिस्तान के वो एंकर्स, जिसमें सर फहरिस्त पर गरीदा फ़ारूकी साहिबा, जिसमें डॉक्टर फिज़ा अकबर ख़ान, जो कल तक तो इनकलाबी बने हुए थे, इंसानी हकूक़ के नाम पर बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बने हुए थे, वो आज डॉक्टर महरंग बलोच के पास जाके उनके मसाइल नहीं सुन रहे, बल्कि उनको कह रहे हैं कि जनाब आप मजम्मत करें कि जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स फौज के ऊपर, पंजाबी मजदूरों के ऊपर हमले करवाती है, उसकी मजम्मत करें, बजाय उसके कि उनके मसाइल को सुना जाए, उनके मसाइल को मंजर आम पर लाया जाए। एक बहुत ख़राब किस्म की एग्जांपल उन्होंने इस हवाले से कायम की है। इनके और इन दोनों एंकर्स के ऊपर, ख्वातीन एंकर्स के ऊपर काफ़ी तनकीद भी की गई। हामिद मीर साहब बलोच रहनुमाओं के साथ, बलोच मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन के साथ डट के खड़े हैं और उन वो अभी से नहीं बल्कि पहले दिन से खड़े हैं और बता रहे हैं मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में, अपने ट्वीट्स में, कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। इसी तरह हामिद मीर साहब के साथ, जब हामिद मीर साहब बलोच मिसिंग पर्सन के मुतालबात सुनने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, तो उनके साथ पुलिस का, रियासत का जो रवैया था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। उसकी वीडियोस भी इंटरनेट पर वायरल हुई, जो बदतमीजी वहाँ पर की गई वो भी सब लोगों ने देखी। अब हमने देखा कि एंकर इमरान रियाज खान साहब बलोच मिसिंग पर्सन के जो प्रोटेस्ट है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर महरंग बलोच से मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टर महरंग बलोच से माफ़ी मांगी और कहा कि हम गलत थे, आप ठीक थी। डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा ने कहा कि आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने आपको माफ़ कर दिया है। बहुत बड़ी तब्दीली आई है एंकर इमरान रियाज खान की नेचर में, उनकी जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म था और उनका जो बयानिया था बलोचिस्तान के हवाले से, बलोचों के हवाले से, बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से, तो इससे ये चीज़ साबित हो चुकी है कि कल तक जो लोग एंकर इमरान रियाज खान को फॉलो कर रहे थे या एंकर इमरान रियाज खान के ग्रुप में शामिल होकर, वो यूट्यूबर्स जिसमें सदीक जान, जिसमें शहाबुद्दीन और बहुत सारे लोग इसमें शामिल है, जो बलोच मिसिंग पर्सन को दहशतगर्द कहते रहे, वो सब के सब गलत साबित हुए हैं। उन सब लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए बलोचों से, एक बार नहीं बार बार मांगनी चाहिए, और उन्होंने जो भी कंटेंट अपलोड किया हुआ है इन ख्वातीन के हवाले से, इन मजलूमों के हवाले से, उन सबको इस पर माफ़ी का इजहार करना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए और उन कंटेंट को, उन वीडियोस को डिलीट करना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बलोच ख्वातीन के मसाइल, बलोच नौजवानों के मसाइल हमारे मसाइल है, और हम सहाफ़ी अगर उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे तो कल को वो किसी और के हाथों, बैरूनी ताकतों के हाथों, और जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके हाथों वो लोग इस्तेमाल होंगे। बलोच का मुतालबा कल भी जायज़ था, बलोच के मसाइल कल भी यही थे, जेन्युइन थे, बलोच का मुतालबा आज भी जायज़ है, बलोच के मसाइल आज भी जेन्युइन है। हम सब लोगों को मिलकर उनके मसाइल को उजागर करना होगा, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया पर तो खैर पाबंदी है, तो सोशल मीडिया पर लेकर आना होगा ताकि रियासत संजीदगी से इसके ऊपर गौर करें, अदालतें इसके ऊपर जागे, इसके ऊपर कमीशन बनाएं और इसके ऊपर जो भी मुजरिमीन है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। इस वीडियो में मैं एंकर इमरान रियाज खान का शुक्रिया भी अदा करता हूं, लेकिन साथ में एंकर इमरान रियाज खान को एक भरपूर वीडियो बनानी चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि हाँ मेरा बयानिया गलत था, मैं झूठ बोल रहा था, मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा था, मैं उस वक़्त किसी और के इशारों पर चल रहा था, और मेरे साथ जो लोग खड़े थे, जो एंकर थे, उन लोगों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, हम सब लोग गलत थे। आप लोगों की इस हवाले से जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। क्या बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये जायज़ है या नाजायज़?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।